काम तो पहले से ही डिसाइड है, तभी तो उनसे इस्तीफा लिया गया है। इस्तीफा एक सेकंड में थोड़ी हो गया होगा, मैंने आपसे बोला तो कि हफ्ते भरे चला हुआ प्रोसेस होगा, महीने चल रहा होगा, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में ले लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल बढ़ाने का एक नाटक हो सकता है, या इलेक्शन कमीशन से इस्तीफा दिला करके उनके टाइम मैनर्स को छुपाया जा रहा होगा, या इनके साथ में ट्यूनिंग नहीं बनी। ये पॉइंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इनके पहले वाले जो व्यक्ति थे उनको एकाएक हटाया गया, रातों रात हटाया जाना। सुप्रीम कोर्ट ने इनसे पहला प्रश्न पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि बिजली की करंट की गति से इस अरुण गोयल का अपॉइंटमेंट कैसे कर दिया गया। अरुण गोयल जी थे, ये सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी से सुप्रीम कोर्ट का जो प्रश्न था उसमें यह भी था कि ये सेक्रेटरी के पास से सीधा का सीधा आप इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पोस्ट पर ला रहे हैं, क्या इनके पैरामीटर्स हैं। सेक्रेटरी से इनको बीआरएस दिलाया गया था पंजाब कार्डर के आईएएस, तो यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि इनको यह लग रहा होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के यहाँ पद में रह लिए, हो सकता है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड में, या हो सकता है कि ईवीएम की सेटिंग वाला जो मामला इनको करना तो कर दिया हो बहुत जगहों पर। जो लोग यहाँ आते हैं और वहाँ आया राम गया राम की जो कहानी चल रही है 1960 से, अभी आप देखिए, अभी इस पार्टी में आप हैं, आप हिमाचल में देखिए सरकारें गिर रही बच रही है, किस तरह से लोग कर रहे हैं सफर। अब यह विश्वसनीयता जनता के वोटिंग राइट्स का आर्टिकल 19(1) ये का कंप्लीट वायलेशन फिर हो रहा है, कम से कम 5 years 10 years पूरा होना चाहिए, उसके बाद उस व्यक्ति को जिस पार्टी में जाना है जहां जाना है वो जाए। भारत देश का कोई जस्टिस भी होता है, वो भी अपने पद से इस्तीफा देता है दो चार दिन के पद में रहते हुए, बचे हुए से अपने ऑफिस से। और जैसे आप लोगों ने देखा होगा कलकत्ता में अभी हुआ है, गांगुली जी ने किया है ऐसा, दूसरा इसी तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी कर सकती है, इसी प्रकार से बहुत सारे लोग ऐसा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी बोला है कि दल बदल कानून पर हम कुछ नई गाइडलाइन विचार कर रहे हैं, नई गाइडलाइन बहुत जल्दी ही जारी करेंगे। जो लोग यहाँ आते हैं और वहाँ आया राम गया राम की जो कहानी चल रही है 1960 से, अभी आप देखिए, अभी इस पार्टी में आप हैं, आप हिमाचल में देखिए सरकारें गिर रही बच रही हैं, किस तरह से लोग कर रहे हैं सफर। अब यह विश्वसनीयता जनता के वोटिंग राइट्स का आर्टिकल 19(1) ये का कंप्लीट वायलेशन फिर हो रहा है, कम से कम 5 years 10 years पूरा होना चाहिए, उसके बाद उस व्यक्ति को जिस पार्टी में जाना है जहां जाना है वो जाए। ये मैं आपके माध्यम से पूरे देश की जनता से बोलना चाहता हूं कि आप सारे लोग सिलेक्टिव लोगों को, जो जेन्युइन व्यक्ति हो उसको वोट दें, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी पार्टी स्पेशल से ही बात है, पर यह सिद्धांत था, यह स्पष्ट होना चाहिए कि वह व्यक्ति रिलाय करेगा, जिस व्यक्ति जहां पर खड़ा है वह वहां पर सिद्धांतता रहेगा। ऐसा नहीं है कि वह छोटा मतदाता, छोटा कैंडिडेट है तो छोटा वोटर उसके पास जा रहा है या उसको कम वोट मिलते हैं, तो यह भी इसका एक बड़ा पैरामीटर नहीं होना चाहिए। हमारे लिए विश्वसनीयता और गोपनीयता दोनों बनी रहना, कॉन्फिडेंस बने रहना प्रत्येक नागरिक का, यह वोटिंग का राइट्स का अधिकार है, सेफ और सिक्योर होना चाहिए, जिससे हम किसी व्यक्ति को वोट दें तो वह व्यक्ति वहां पर रहे। जो अरुण गोयल जी थे ये सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी से सुप्रीम कोर्ट का जो प्रश्न था उसमें यह भी था कि यह सेक्रेटरी के पद से सीधा का सीधा आप इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के टॉप पोस्ट पर ला रहे हैं, आप क्या इनके पैरामीटर्स हैं। सेक्रेटरी से इनको बीआरएस दिलाया गया था पंजाब कार्डर के आईएएस हैं ये, तो यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि इनको यह लग रहा होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हम पद में रह लिए, हो सकता है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड में, या हो सकता है कि ईवीएम की सेटिंग वाला जो मामला इनको करना तो कर दिया हो बहुत जगहों पर, हो सकता है कि कुछ और का हो सकता है, सवाल है ध्यान रखना, मे बी पॉसिबिलिटी फॉर एवरीथिंग दिस टाइप्स ऑफ द मेजरिंग, तो ये सारी चीजें होने की संभावना है। तो उनको कुछ इनाम की राशि में, जैसे वहां पर आपने देखा है कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस ने रहते हुए कई 7 या 8 सीबीआई की जांचेस अगेंस्ट गवर्नमेंट के लिए उन्होंने अपॉइंट किया था, उसका बेनिफिट उनको यह मिला कि वो उनको बीजेपी ने ज्वाइन करा है, अब मुझे लगता है कि एमपी भी बनाएगी। दोनों कारण हो सकते हैं, दिलाया भी जा सकता है, दिया भी गया होगा, दोनों चीजें हो सकती हैं, पर अपने फ्यूचर को लेकर के हो सकता है। दूसरा यह हो सकता है कि लीगल तरीके से कुछ काम किया होगा उन्होंने। तीसरा हो सकता है कि इनकी ट्यूनिंग आपस में नहीं सेट हुई है। पर ज्यादातर सबसे मजबूत कारण जो लग रहे हैं मेरी नजर में, इनका अपॉइंटमेंट इलीगल था, इनके सारे चुनाव जितने इनके अपॉइंटमेंट को लेकर क्वेश्चन रेज किए गए वो सेट नहीं हुए, और ईवीएम को लेकर के जो भारत देश में जनता में हाहाकार है, जिसमें हमने भी विभिन्न राज्यों को चुनावी डेटेस दिए थे, इसी के साथ में लोकसभा में भी जो पुरानी 2019 के हम लोगों की पिटीशन चल रही है, एडीआर की भी चल रही है, जिसमें कई सारे राज्यों के चुनाव में आप लोगों ने बोला था, आप लोगों को पता ही है कि उनमें ये जितनी वोट डाली गई लोकसभा में, खासकर तमिलनाडु, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, इसी के साथ में यहाँ मथुरा में जो हेमा मालिनी जी की सीट है, बनारस की सीट है, इसी प्रकार से नॉर्थ ईस्ट की कई राज्यों में ऐसा हुआ था, इस प्रकार से भारत देश के कई राज्यों में कम वोट डालो ज्यादा वोट मिले, यह वाला जो केस है वो इसी महीने में लग गया है।
प्रधानमंत्री का कार्यकाल हो सकता है कि बढ़ा दिया जाए, ये नाम तो पहले से ही डिसाइड है, तभी तो उनसे इस्तीफा लिया गया है। इस्तीफा एक सेकंड में थोड़ी हो गया होगा, मैंने आपसे बोला तो कि हफ्ते भरे चला हुआ प्रोसेस होगा, महीने चल रहा होगा, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में ले लिया जा सकता है। भारत देश में आप लोगों को पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अब लगभग लग रहा है कि जो स्टेचुरी बॉडीज है, तीन लोगों की बॉडी होनी चाहिए, तीन में से सिर्फ और सिर्फ अब एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मेंबर बचा हुआ है। वह भी कब इस्तीफा दे देंगे, शायद बीजेपी को पहले से पता होगा और राष्ट्रपति के पास लेटर भी हो सकता है पहुंच गया होगा, हस्ताक्षर उसमें होने का टाइम बस जो है थोड़ा सा समय लग सकता है। कोई भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट किस घर किस आर्टिकल्स में होता है और क्या क्या उसके लिए पेरीमीटर होते हैं, किस जगह से कराया गया, इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। पर इसके साथ में यह भी प्रश्न है कि अरुण गोयल जी ने इस्तीफा दिया है, वह भारत देश के लिए काफी शर्मसार का विषय था। उन्होंने रात के 10:30 बजे के आसपास इलेक्शन कमीशन के पद से अपने उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रपति ने उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया। प्रश्न यह है कि क्या अभी तुरंत इसी वक्त उन्होंने इस्तीफा दिया होगा? नहीं, जाहिर सी बात है कि यह पहले से किया गया एक प्रोसेस रहा होगा, जिसको कल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उसको उस उनके जो उनका इस्तीफा है उसको स्वीकार कर लिया। पर भारत देश में यह खबर नहीं आई। खबर क्या चलती है इस समय पर कि भारत देश के इलेक्शन के दौरान पर जो करंट में हमारे इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर है पूरे भारत देश में घूम घूम करके लोकसभा के चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। खबर यह भी थी कि सारे डीजीपीओं की मीटिंग कर रहे हैं। खबर यह भी थी कि भारत देश में चुनाव होने वाला है, जिसका अगले महीने में हो सकता है कि कंडक्ट पूरा इलेक्शंस का पूरे कितने फेजेस में होगा वह भी हो जाए। खबर यह भी थी कि भारत देश में अब कल से जो खबर है क्या एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1991 के बाद, ध्यान रखना है नरसिम्हा राव का जो प्रधानमंत्री थे उसके पहले वन सिस्टम होता था, तो क्या एक प्रधान एक क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का व्यक्ति पूरे भारत देश का चुनाव कराएगा, या सीजीआई चीफ इलेक्शन जो हमारे सॉरी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कराएंगे? ये दोनों का हम जवाब देना चाहते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में इनकी नियुक्ति का मामला यह चल रहा है। इन्होंने 2023 में पंजाब काडर के आईएएस थे, इन्होंने 2024 में बीआरएस दिया गया। ध्यान रखना है कि किसी भी इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट को लेकर के आर्टिकल 324 में काफी विस्तार से बात की गई है। इसमें इनका 6 इयर्स का कार्यकाल होगा और इसके साथ में इनकी जो एज लिमिट है वो नॉर्मल एज लिमिट से काफी ज्यादा है। अब यह सवाल उठता है कि जितने लोगों का अपॉइंटमेंट करना था उनमें क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या लोगों का नाम रखा गया, किस प्रकार से नाम बाईपास रोड से आए थे, इन सारी चीजों पर हम बात करना चाहते हैं आपसे। अब सुप्रीम कोर्ट में जब इनके अपॉइंटमेंट का मामला गया, अपॉइंटमेंट का मामला गया क्यों, पहला तो ये प्रश्न है क्यों, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इनके पहले वाले जो व्यक्ति थे उनको एकाएक हटाया गया, रातों रात हटाया जाता है। 15 मई से लेकर के 18 नवंबर के बीच में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बॉडीज में इसी तरह से चलता रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने इनसे पहला प्रश्न पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि बिजली की करंट की गति से इस अरुण गोयल का अपॉइंटमेंट कैसे कर लिया गया। पॉइंट नंबर वन, बिजली की गति का मतलब रातों रात अपॉइंटमेंट, रातों रात बीआरएस दिलाया जाता है, आपका रातों रात बीआरएस दिलाया जाए और उसके बाद रातों रात ही आपका इसके साथ में इसके रातों रात ही आपको अगले दिन चुनाव इलेक्शन कमीशन का अधिकारी भी बना दिया जाए। दूसरा, तीसरा, उन्होंने बोला कि इसमें इस क्राइटेरिया में लगभग 40 लोगों का उस पैनल में नाम था जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मेंबर्स बनने के दौर पर थे, तो आपने उन 4 लोगों को ही क्यों लिया, यानी 4 लोगों का नाम भेजा गया था, 4 लोग वो कौन से थे, उनकी क्या क्राइटेरिया थी, ये इसका इनके पास कोई जवाब नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इसके साथ में वो 4 लोगों का अपॉइंटमेंट जिन लेटर में जो भेजा गया, इन 4 में से कोई भी टेंटेटिव्स में एक व्यक्ति इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का व्यक्ति बन सकता है, तो इन्होंने क्या किया कि ये सीधा का सीधा जो हमारा लॉ मिनिस्टर होते हैं, लॉ मिनिस्टर ने सीधा पीएम के पास भेजा। ध्यान रखना मंत्रिमंडल में इसमें डिबेट होनी चाहिए, ध्यान रखने की बात है। और भारत देश में इस समय पर करंट में लगभग 49 से 50 मिनिस्ट्री है, उसमें इसका डिबेट प्रॉपर होना चाहिए, बिकॉज दिस इज ये बहुत बड़ी बॉडी है, स्टेचुरीज बॉडी है, भारत देश में इसका पूरा का पूरा बहुत बड़े लेवल पर पावर है, तो इसको ना डिबेट किया गया, सीधा प्रधानमंत्री ऑफिस पर पहुंचता है और उसमें प्रेसिडेंट जी साइन करके इनको इलेक्शन कमीशन का मेंबर बना देती है। पॉइंट नंबर 4, इनका कार्यकाल 2025 की फरवरी में ये चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनने की दौड़ पर थे,
2027 तक इनका कार्यकाल है, तो फिर इनको क्यों हटाया गया? क्या 6 साल का जो कार्यकाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए बनाया गया है वह नहीं पूरा होना चाहिए? पॉइंट नंबर 6, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह भी नहीं दिखाने की कोशिश की कि उन किन किन कारणों से इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि जिन व्यक्तियों को आपने, इन 4 लोगों को आपने अपने इनके जो नॉमिनेशन के लिए भेजा था, उनके पैरामीटर्स क्या थे, और जिन 40 लोगों में से 36 लोगों को आपने रिजेक्ट किया है, उनको निकालने के लिए भी पैरामीटर आप बताइए क्या है। पॉइंट नंबर 7, इसके साथ में जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे उस समय पर जो प्रेजेंट हुए, उनका जो आर्गुमेंट है वो आर्गुमेंट बिल्कुल ही मिसलेनियस था। वो बोले कि भारत देश की गोपनीयता मामला, ये मामला, वो मामला, पर वो कहीं से दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बोला कि कोई भी व्यक्ति, जितने 4 लोगों का आपने नाम दिया है, इनका किसी का भी 6 साल का कार्यकाल नहीं बचता है, जबकि बाकी लोग जो 40 में से 36 बचते हैं उनके 6 साल टर्नओवर हो सकते हैं। यानी 6 साल टर्नओवर जो इलेक्शन कमीशन की पोस्ट के लिए होना चाहिए वो इनमें किसी में भी नहीं है, जो 4 लोगों के पैनल में आपने नाम भेजा है। वो कितने हैं? वो इनका नाम बीच में ही तो इनका टाइम ओवर हो रहा है, यानी उनका टाइम खत्म हो जाएगा, 1 साल 2 साल 6 महीने, तो आपको इस प्रकार का इलेक्शन कमीशन चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन, जब अरुण गोयल का कार्यकाल 2027 तक बचता है तो फिर आपने इनको फिर एकाएक इस्तीफा देने के लिए क्या मजबूर कर दिया? तो क्या अपॉइंटमेंट गड़बड़ था, या फिर आपने अपने मनमानी तरीके से इनसे काम कराना चाह रहे थे, वो सही आपकी उनके साथ में सेटिंग या ट्यूनिंग नहीं बैठी, या इलेक्टोरल बॉन्ड में वो भी फंसते हुए नजर आ रहे थे तो वह अपने पद से इस्तीफा देना उचित समझा? अगला, ये इसका सब पार्ट था, ध्यान रखना। अगला इसमें क्वेश्चन बताया गया, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि 24 घंटे के अंदर में अरुण गोयल का अपॉइंटमेंट किया गया है, ऐसी भारत देश में क्या इमरजेंसी आ गई थी? तो हमें 15 तारीख से, 15 मई से, जिस दिन से इनका अपॉइंटमेंट होता है, और उस दिन के बीच के महीने की पूरी डिटेल दीजिए कि भारत देश के इलेक्शन कमीशन के डेट शीट पर क्या क्या सिग्नेचर है और किस किस तरीके से, किस किस तरीके से निर्णय लिए गए हैं, वह भी हमें डिटेल्स पूरी की पूरी चाहिए। गैर संवैधानिक तरीके से यह भारत देश में किया गया यह पूरा अपॉइंटमेंट था, जिसको लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से प्रेजेंट हुए अटॉर्नी जनरल जो भारत देश के थे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। ध्यान रखना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जिस तरह से अपने पद से इस्तीफा दिया है वो आर्टिकल 324 में, आर्टिकल 5 में, 324 में सब सेक्शन 5 है। अब वो क्या कहता है, मैं आप लोगों के सामने में बोलना भी चाहता हूँ। सब सेक्शन 5 क्या कह रहा है, देखिए ये किस तरह से इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने लिया है, कितनी कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हो रही है, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ। इसमें लिखा, सब्जेक्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, कंडीशन ऑफ द सर्विस एंड टेन्योर ऑफिस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, द रीजनल कमिश्नर शैल बी सच अ प्रेसिडेंट मे बी रूल्स एंड डिटेंडेंट द प्रोविज द प्रोवाइडेड द चीफ इलेक्शन कमीशन शैल नॉट बी रिमूव्ड शैल नॉट बी इट मीन मस्ट शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट, उसके ऑफिस से कोई हटा नहीं सकता, एक्सेप्ट किसमें, देखिए दो चीजें, लाइक देयर द मैनर, यानी कुछ वो गलत काम करता है तो गलत काम क्या किया है उसने, डिस्क्लोज करे भारत सरकार या इलेक्शन कमीशन या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड पॉइंट चीज है, एंड लाइक ग्राउंड ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड कंडीशन सर्विस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन शैल नॉट बी वैलिड, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसको यह घोषित कर दे यह व्यक्ति इस पोस्ट के काबिल नहीं है, तो दोनों में से कौन सा कारण है? अभी तक भारत देश के न तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, न इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चेयरपर्सन है उन्होंने, न भारत देश के प्रधानमंत्री ने, न इसी के साथ में भारत देश की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है वो किसी ने नहीं बोला है कि इनके मैनर्स क्या खराब थे। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वाला मामला तो अभी चल ही रहा है, वो तो आर्गुमेंट का विषय हो गया है, अभी तो उसका जजमेंट आया नहीं है, तो फिर क्या कारण थे? यह जाहिर सा एक ही कारण है जो मुझे लगता हुआ नजर आ रहा है कि इनका जो रिक्रूटमेंट हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने इतने सारे प्रश्न पूछे थे वो भी फंस रहे थे। इसी के साथ में एक और अगला पॉइंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी भारत देश के सारे राज्यों में लगभग डीजीपीओं से मिले हैं, और उसके बाद चुनाव को लेकर के उन्होंने ब्रीफिंग दी है काफी बड़े लेवल से, कोई भी ऑर्डर नहीं पास कर सकते, तो होगा क्या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपने अंडर में करके इलेक्शन 2024 यदि ये अगली बॉडीज को नहीं मेंटेन कर पाते हैं, नहीं बना पाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस पूरी चुनाव के जो प्रोसेस है 2024 के लोकसभा का उसको करेगी। अब वो क्यों करेगी, उसको लेकर के हम लोगों ने पूरा कली प्लान बना लिया है
कि इनका जैसे यदि ये कुछ करते हैं, या इधर ये भी एक ऑप्शन है कि ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी बढ़ा दें कि जब तक ये हमारा सिस्टम नहीं सेट हो रहा है तो आप 5 महीने 4 महीने का 6 महीने मैक्सिमम एक्सटेंड किया जा सकता है, तो उसमें ये ऐसा कुछ कर सकते हैं कि इसको बढ़ाया जाए इनका टेन्योर। तो दोनों संभावनाएं हैं, आइदर यानी 3 संभावनाएं बनी सॉरी, पहला प्रधानमंत्री का कार्यकाल बढ़ाने का एक नाटक हो सकता है, या इलेक्शन कमीशन से इस्तीफा दिला करके उनके टाइम मैनर्स को छुपाया जा रहा होगा, या इनके साथ में ट्यूनिंग नहीं बनी, एक पॉइंट था इसका सब पॉइंट में। दूसरा कारण, यदि ये नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हम लोग जैसे जो भारत देश के वकील हैं, आप जैसे जो पत्रकार हैं, सब लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपनी मॉनिटरिंग में चुनाव कराए,